गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 9 के सवाल समझाए जा रहे हैं, जिसमें सवाल है हीम, जिसमें सवाल भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी दूरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ दूरी का जुड़ाव साठ डिग्री है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बीसीए का आधार है, जिसमें एडी ऊंचाई पर हमारा एक पतंग 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर डोरी के कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई को हम 10 मीटर मानेंगे, डोरी की लंबाई है जो कि 10 मीटर है, लंब बटे कर्ण, साइन का होता है, साइन थीटा का, साइन 60 डिग्री बराबर लंब है एडी, कर्ण है एसी, साइन 60 का मान अंदर 3/2 बराबर एबी का मान 60 और एसी का मान 1, इसका एरिया गुणा करेंगे, यह गुणे अंदर 3 बराबर 60 गुणे 2, यह बराबर 60 गुणे 2/3
जिसमें अंडर रूट तीन का फाइनलीकरण करते हैं। एल बराबर 60 × 120 बटे अंडर रूट तीन में अंडर रूट तीन बटे अंडर रूट तीन बराबर 120 अंडर रूट तीन बटे तीन तीन चौको 12 यल का मान 40 अंडर रूट तीन मीटर। अतः डोरी की लंबाई यल बराबर 40 अंडर रूट तीन मीटर होगी। Oh.